के जीवन खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, उनकी पत्नियां सुसाइड नहीं करती। आमेन, हालेलुया। उनकी पत्नियां आशीषित हैं, उनके बच्चे आशीषित हैं, उनके पति आशीषित हैं, उनके कारोबार आशीषित हैं, उनका हंसना आशीषित है, उनका देखना आशीषित है, उनका चलना फिरना उठना बैठना ब्लेस्ड ब्लेस्ड और ब्लेस्ड है। हालेलुया, आमेन। कितने खुश नसीब हैं ऐसे पति और ऐसी पत्नियां जिनको आत्महत्या करने वाले ना पति हैं और ना पत्नियां। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आई एम परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। आज परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा, बड़ा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है, उसका नाम बड़ा है, उसके काम बड़े हैं। वो बड़ी जगह से आया है और बड़ी जगह से आकर मरा, मरकर भी उसने बड़ा काम किया, फिर जीवित होकर भी बड़ा काम किया और हम लोगों को बचा लिया, बचाकर हमारे सबके जीवन में बड़ी गवाही दे दी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा है, परमेश्वर हमारा है। लोग कहते क्यों तुमने परमेश्वर खरीदा है क्या? हमने खरीदा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। बोलिए, परमेश्वर हमारा है, परमेश्वर हमारा है। एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बोलिए, मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर मेरा है। कईयों को आंखें नहीं मिल रही, इधर उधर देख रहे हैं, कौन सी आंख है यार। बोलिए, परमेश्वर हमारा है, परमेश्वर मेरा है, मैं परमेश्वर का हूं, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं। अभी पिछले समय में एक बहन ने मुझे बोला कि पास जी, आप भले ही नहीं मिले लेकिन आपकी पत्नी हमें मिली, बहुत खुशी हुई। आपको मालूम है जो अभिषेक मेरे ऊपर है, सेम, एक रत्ती भर भी इधर उधर नहीं, सेम अभिषेक इनके ऊपर। और बातचीत में फर्क हो सकता है, मेरे बात करने में और इनके बात करने में फर्क हो सकता है, लेकिन इनके प्रार्थना करने के बाद जो सामर्थ्य उतरता है और इनके प्रार्थना करने के बाद जो छुटकारा फैलता है, वो सेम है। आमेन। अगर आप में से किसी को विश्वास नहीं है, आज ये अपने ऑफिस के अंदर मेरे जाने के बाद आप लोगों से मिलेंगे, और आपको विश्वास नहीं है, आप मिलिए, और जब आप मिलकर प्रार्थना करवाकर वापस जाते हैं तो आप, मैं यीशु मसीह पर घमंड कर बोल रहा हूं, आप पक्का मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज लिखेंगे और कहेंगे हमें ऐसा लगा जैसे आपसे मिले हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को मालूम ऐसा क्यों है? आओ ना, किसी को मालूम ऐसा क्यों है? हेलो, हाँ, ये मेरी पसली है, मुझ में से निकाली गई है। और फिर एक और बताता हूं, मेरे साथ अगर मैं जैसे यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करता हूं, यहां खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति में से सबसे ज्यादा मेरे साथ समय व्यतीत करने वाली मेरी पत्नी है। एक व्यक्ति ने बोला, पास्टर मैं पिछले हफ्ते आपके साथ रहा और ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी वैसा हो गया। और वो प्रार्थना करता, लोग गिर जाते हैं, लोग चंगाइयां पाते हैं, लोग आशीषें पाते हैं, लोग छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। वो कहता, मैं एक हफ्ता आपके साथ रहा और आपकी पत्नी 24 घंटे आपके साथ रहती है, वो कैसी होगी? मैंने बोला, वो तो आपको तब पता लगेगा जब आप उनकी मीटिंग करवाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा सॉलिड
सोल्जर, मेरा मजबूत प्रेयर वॉरियर, और यूं कहूं कि मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी रीढ़ की हड्डी मेरी पत्नी है। और बाइबल कहती है अपनी पत्नियों की तारीफ करनी चाहिए ना, तो मैं इनकी तारीफ में थोड़ा और बोलना चाहूंगा। ये इनकी एक क्वालिटी है, मुझे ना तो आटा गूंदना पसंद है और ना रोटी बनानी पसंद है। मुझे आटा गूंदना भी आता है और रोटी बनानी भी आती है। हर तरह का खाना बनाना मैं जानता हूं। मेरी पत्नी जब दुख में जाती है तो इनकी पूरी केयर मैं करता हूं, लेकिन जॉब से ये आते हैं और मैं इनसे बोलता हूं कि भैया घर में कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों करते हैं, ये जॉब से आएगी, जॉब से आते ही और अपने रसोई को पकड़ा और उसमें जो कुछ बनाना है वो बनाया, रोटी बनाई और लाकर मेरे सामने रख दिया। जॉब करने वाली बहनें सुनिए ध्यान से, जब ये जॉब से आए, जब जॉब पर जाते हैं तो मैं छोड़ने जाता हूं, जब ये जॉब से आते हैं तो पैदल आते हैं, हेलो, और जॉब से जहां से पैदल आते हैं करीब 1.5 किलोमीटर है, कितना, 1.5 से थोड़ा और कम होगा, लेकिन फिर भी धूप में वहां से आता आदमी गर्म होता है, हाँ या ना, और गर्म होकर क्या कहेगा, भाई मेरे से कुछ नहीं बनता, बनाओ और मेनू भी दो। लेकिन ये क्या करते हैं, आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अच्छा कुछ है नहीं, आटा गूंदा, बनाया, बनाकर सिर्फ मुझे अकेले को नहीं, मेरे बच्चे को भी और अपने पापा को यानी इनके जो ससुर हैं उनको भी, हालेलुया, और कोई आया हुआ तो उसको भी कहेंगे खाना खाकर जाना। इसको बोलते हैं आई एम द बेस्ट हस्बैंड। मैं बेस्ट हूं क्यों, बोलिए ना, क्यों मैं बेस्ट हूं, ये देखिए, चिढ़िएगा मत, जेलस मत खाइएगा, ये क्या हो रहा, ओ ये चिढ़िए मत, जेलस मत खाइएगा, बल्कि नकल कीजिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं, आमेन, मैं आशीषित हूं। क्यों आशीषित हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसी पत्नी दी। अच्छा एक बात बताइए, कितने समय हो गया मेरी शादी को, बहुत साल हो गए, किसी को, कोई है ऐसा व्यक्ति जो कह दे कि आपकी पत्नी के कारण चर्च में लड़ाई हुई, कोई एक व्यक्ति, ऐसा कभी हुआ, ऐसा हुआ कभी, कारण, कारण, वाइफ अच्छी है, परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान स्त्री दी, कारण, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, कारण, मैडम अच्छी है, आमेन, ध्यान से सुनिएगा, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, प्रेज द लॉर्ड, आप भी बुद्धिमान है, घर बनाइए, आप बुद्धिमान है। मैं आज यीशु के नाम पर घमंड कर इस बात की भविष्यवाणी करता हूं कि आप बुद्धिमान हैं, और एक दिन आपका पति यूं ही खड़ा हुआ गवाही दे रहा होगा, आमेन। कोई बेचारी बीच में होगी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं किमें हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता मेरे साथ कैसा सलूक होता है, याद रखिएगा फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप कहते हैं ऐसा हो सकता है, अगर आप कहते हैं ऐसा हो सकता है, तो बाइबल ये कहती है मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं, बाइबल कहती है जीभ के वश में, कोई है ऐसा जिसके पास जीभ नहीं, हेलो, कोई ऐसा है जिसके पास जीभ नहीं, जीभ के वश में मौत और जीवन, जीभ के वश में मौत और जीवन, और जो इसे काम में लाना जानता है
वो उसका प्रतिफल पाएगा, वो इसका प्रतिफल पाएगा। बोलिए बोलिए, मेरे घर में कलेश नहीं हो सकता, मेरे घर में आत्महत्या नहीं हो सकती, मेरे बच्चे आत्महत्या नहीं कर सकते। कई लोगों को शक है, इसलिए शायद हो जाए। बोलिए ना, अपने मुंह को हिलाइए, शैतान आपको देख रहा है। अपनी जुबान को हिलाइए, मेरे घर में सुसाइड नहीं हो सकता, मेरे घर में आत्महत्या नहीं हो सकती। हमारी जवान बेटियां आत्महत्या नहीं कर सकती, हमारे पति सुसाइड आत्महत्या नहीं कर सकते। पति बोलेंगे, ऊंची आवाज में बोलेंगे, पति हमारी पत्नियां आत्महत्या नहीं कर सकती, कारण हमारी जीभ आशीषित है। आमेन।